नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने मंगलवार को एक बार फिर से अपने घोर राजनीतिक विरोधी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को गुमशुदा करार देते हुए जोरदार निशाना साधा। कैप्टन ने कहा कि सांसद जी आखिर कहां लापता हैं, इसे लेकर इलाके में उनका पोस्टर लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने पिछले 4.5 सालों में क्षेत्र के लिए कोई खास कार्य नहीं किया। हाँ, बिना कुछ के एम्स का श्रेय लेने को लेकर जरूर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व सहकारिता मंत्री के बीच होड़ मची हुई है। कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी के एक एसोसिएशन द्वारा एक अधिवक्ता से मारपीट के विरोध में रेवाड़ी बार एसोसिएशन द्वारा न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा दिए जा रहे धरने को समर्थन देने के लिए बार एसोसिएशन पहुंचे थे। देखिए, मैं एक एडवोकेट के रूप में आया हूं। मैं बार एसोसिएशन रेवाड़ी का मेंबर भी हूं जी, और हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन उसका मेंबर भी हूं मैं। तो आज मैं जो हमारे मुकेश जी जो खिजूरी गांव से 2 बार सरपंच भी रहे हैं और वकील भी हैं, उनके साथ एक जो पुलिस का अधिकारी है जो SHO है धारोड़े का, उसने बगैर किसी प्रोवोकेशन के 2-3 थप्पड़ लगाए उसके मुंह पे, बाहर पकड़ के उसकी बेइज्जती की, धक्का मुक्की करी। और हमारे जो एडवोकेट्स हैं सौरभ जी और इनकी पूरी जो टीम है, जो इनके पदाधिकारी हैं, वो सारे होम मिनिस्टर से मिल लिए। होम मिनिस्टर ने जो है वायरल कर दिया टेलीफोन पे बात करते हुए SP से कि आप तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि होम मिनिस्टर की बात को भी दरकिनार कर दिया गया। तो मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ, क्योंकि जो न्याय दिलाते हैं, वकील का जो पेशा है बहुत ही आदर का है और वो लोगों का न्याय दिलाते हैं। आम आदमी के साथ क्या हाल होता होगा। यहाँ तो आज हमारे वकील भाई के साथ हुआ है, तो यहाँ पर सारे वकील तो हड़ताल पे बैठ गए। आम जो व्यक्ति है जो सड़कों पे चलता है उसकी रोज़ पिटाई करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा पेपर में कि एक जो महिला एक माइनर बच्ची है उसके साथ रेप भी किया एक पुलिस अधिकारी ने। तो इस प्रकार के अगर शोषण होगा और इस प्रकार से मार पिटाई होगी उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी 29-30 को यहां आ रहे हैं, 29-30 को रेवाड़ी आ रहे हैं, उसके आना उनके आने से पहले पहले SP साहब जो हैं इस प्रहलाद सिंह जो SHO है धारूडा का, इसको निलंबित करें। और अगर निलंबित नहीं करेंगे तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश भर में फैल जाएगा। एक मुख्यमंत्री जनसभा कार्यक्रम के लिए 3 दिन जिले में आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या लाभ होगा? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि कौन सी सौगात उन्होंने पिछले 4 साल में हमारे लोगों को दी है। और मुझे उम्मीद है कि केवल घोषणाएं ना रहो जी, ये घोषणा सरकार है। यहाँ पर सबसे पहले तो उनको संज्ञान लेना चाहिए मुकेश के बारे में जी। जब यहाँ आए SP को तलब करें और पूछें कि मुकेश जो एडवोकेट है उसके साथ कार्रवाई, उनके जो खिलाफ जो प्रहलाद सिंह SHO है आखिरकार उसको कौन सी ढाल है जो उसको बचा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। दूसरी बात एम्स के बारे में शिलान्यास करवाएं जी, उसके बारे में लोगों को धोखा देते रहे, ना शिक्षा है ना चिकित्सा है, वकीलों के लिए कोई जो सहूलियत जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में बातचीत करें। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर जो है वो आएंगे। और होम मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है, उनके आदेश के ऊपर अगर इस तरीके से अवहेलना की जाती है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सहकारिता मंत्री का कल बीते दिन बयान आया, उनका बयान आया कि आपके बारे में कहा गया कि हो हल्ला ज़्यादा मताते थे एम्स पर, मेडिकल कॉलेज पे उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई। ऐसा है कि मैं कहता हूँ 9 साल हो गए जी मेरी सरकार को गए जी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, लड़कियों का कॉलेज किसने बनवाया जी, खरखड़ा में गवर्नमेंट किसने बनवाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज किसने बनवाया, आपका
ट्रॉमा सेंटर किसने बनवाया, ये जो मिनी सचिवालय जुडिशियल कम्प्लेक्स किसने बनवाया? बनवारी लाल जी मुझे एक उपलब्धि बता दें अपनी जी, उन्होंने एक जो लड़कों का कॉलेज उसकी बिल्डिंग नहीं बना पाए, तो मेडिकल कॉलेज पीपी मोड में बनना था, उसकी बकायदा सारी ड्राइंग वगैरह बन गई थी, इस सरकार ने आके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर एम्स की बात कर ले तो एम्स का एक बोर्ड लगा था सिर्फ, अगर श्रेय लेने की बात करें तो लगातार श्रेय लेने की कोशिश की है, अगर सांसद जी की बात करें तो वो भी लगातार इसका श्रेय ले रहे हैं, एक तरफ बनवारी लाल जी ले रहे हैं। सांसद जी का तो पर्चा लगना चाहिए कि वो आखिर है कहाँ जी, सांसद जी कभी इलाके में नजर नहीं आए, एक गुमशुदा का पोस्टर लगना चाहिए सांसद जी का कि वो कहाँ रहते हैं, कब मिलते हैं, किस कब किसी गांव में गए हैं, जीतने के बाद किसी गांव में धारोड़ा के अंदर केमिकल युक्त पानी आ रहा है उसका समाधान किया, एम्स का समाधान किया, एक भी अगर कोई काम सांसद जी ने किया है तो वो बता दें। कैप्टन, एक गंगाई जहाजीर के अंदर कल जो नाबालिग लड़की का अगवा कर लिया गया, अभी तक उसको कोई अता पता नहीं मिला और जाम लगा हुआ था, लेकिन अभी डीसी ने कुछ आश्वासन दिया तो जाम छोड़ दिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो पुलिस है ये केवल गरीबों पे और असहाय लोगों पर अत्याचार करती है, एक जो दो बार सरपंच रहा हो और एडवोकेट है उसके साथ अगर ये मारपीट कर सकते हैं, बच्ची के साथ तो असहाय बेचारी, ये तो सक्षम वकील है, इसके साथ ऐसी कार्रवाई हो रही है, बलात्कार करना ऐसा जुर्म है जिसमें पॉस्को एक्ट लग जाना चाहिए था, माइनर थी क्या, पॉस्को एक्ट लगाया उसके ऊपर, उसके बारे में एसपी साहब मुझे जवाब दें इस बात का, पॉस्को एक्ट लगना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी में देरी क्यों की जा रही है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जो गंगा जाहिर में हुआ है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। एक एक लास्ट प्रश्न, एक संगठन का भी अभी आपका जल्दी आने वाला है तो क्या कैसे देखते हैं कि संगठन संगठन जल्दी बन जाएगा, आज तो केवल वकीलों की बात करो, संगठन की बात फिर कभी करेंगे। ठीक है, ठीक।